दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में एक सफल मुकाम बनाने के लिए ना जाने कितने ही लोग ये सपना देखते हैं, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई में कदम रखते हैं और कड़ी मेहनत और काबिलियत के दम पर अपना सपना सच करने की कोशिश भी करते हैं, जिसकी वजह से जहां सितारों को सालों साल तक स्ट्रगल करना पड़ता है, जिनका ये स्ट्रगल तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब उनके माता पिता उनका साथ नहीं देते, जहां हमारी टीवी इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत से सितारे हैं जो कि आज सफलता का स्वाद चख चुके हैं, पर एक समय में उन्हें अपने एक्टिंग करियर के लिए अपने माता पिता से भी बगावत करनी पड़ी थी। तो आखिरकार कौन से है वो सितारे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के जरिए। नंबर एक, शिवांगी जोशी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार होता है शिवांगी जोशी का। जी हाँ, बता दें आज इंडस्ट्री की सबसे सफल अभिनेत्री बनने वाली शिवांगी के माता पिता भी इनकी एक्टिंग के खिलाफ थे, पर शिवांगी जोशी में एक्टिंग के लिए इतना ज्यादा जुनून था कि उन्होंने अपने माता पिता से बगावत कर ली, जिसके बाद इनके माता पिता को भी मानना पड़ा। नंबर दो, हिना खान। ये रिश्ता क्या कहलाता है, सिर्फ टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने वाली हिना खान आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने 8 सालों तक जहां अपने इस शो के जरिए दर्शकों का मनोरंजन किया, तो वहीं हिना खान अब फिल्मों तक भी पहुंच चुकी है, जिन्हें दर्शक हमेशा ही खूब प्यार देते हैं। आपको बता दें कि आज इंडस्ट्री में सफल मुकाम पाने वाली हिना खान को इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। इनके माता पिता इनके एक्टिंग करियर से बिल्कुल खिलाफ थे, जिसकी वजह से इन्हें भी अपने माता पिता से बगावत करनी पड़ी थी। नंबर तीन, श्रुति शर्मा। सीरियल नमक इश्क का में नजर आ चुकी अदाकारा श्रुति शर्मा को भी अपने माता पिता के साथ उनको सपोर्ट नहीं मिला। श्रुति शर्मा के माता पिता भी एक्टिंग के खिलाफ थे, ऐसे में श्रुति शर्मा ने परिवार से लड़ाई कर अपना करियर संवारा। नंबर चार, मोहिना कुमारी सिंह। ये रिश्ता क्या कहलाता है से मशहूर होने वाली अभिनेत्री मोहिना कुमारी सिंह भी इस लिस्ट में शुमार है। बता दें कि ये राजघराने से ताल्लुक रखती है, जिन्हें रीवा की राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से इनके माता पिता इनके डांसिंग और एक्टिंग करियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, पर इन्होंने भी बगावत की और एक्टिंग में कदम रखा, मगर अब शादी करने के बाद ना चाहते हुए भी इन्हें अपना करियर छोड़ना पड़ा। नंबर पांच, अंकित गेरा। अभिनेता अंकित गेरा भी एक्टिंग इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए अपने माता पिता से बगावत कर चुके हैं। जी हाँ, बता दें कि अंकित गेरा के पिता दिल्ली के एक बिजनेसमैन है, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि उनका बेटा उनका बिजनेस संभाले, मगर अंकित को एक्टिंग में ही दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से वो अपने पिता से लड़ झगड़ कर मुंबई आ गए। नंबर छह, सुरविंद चावला। इस लिस्ट में आखिरी नाम शुमार होता है अभिनेत्री सुरविंद चावला का, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहीं तो होगा टीवी शो से की थी, जिसमें उन्होंने अपने किरदार से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और यही वजह है कि इन्हें फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। पर बता दें, सुरविंद चावला को भी अपना करियर बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इनके माता पिता भी इन्हें एक्टिंग इंडस्ट्री में देखना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने न सिर्फ बगावत करते हुए इंडस्ट्री में कदम रखा बल्कि काफी ज्यादा कामयाब भी रही। तो दोस्तों, एक्टिंग करियर लिए माता पिता से बगावत करने वाले इन सितारों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।